वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम लेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी देखेंगे। तो लेसा इंडस्ट्रीज स्टॉक की बात किया तो बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर्स में ऊपर के साइड में ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट किया है। तकरीबन देखा जाए तो वहाँ से गिरावट भी देखने को मिली थी, जैसे इन्वेस्टमेंट किया तो लोअर सर्किट लगना चालू हो चुका था। तो देखा जाए तो यहाँ पे आज 15.30 फिर से अपर सर्किट लगना चालू हो चुका है। लास्ट वीक से देखा जाए तो आज भी देख सकते हो 0.72 पैसे अप है, तकरीबन 5% अप होते हुए अपर सर्किट लग चुका है। सुबह में देखा जाए तो और किसी मोमेंट देखने को मिली थी। तो ये स्टॉक कहाँ तक अपर सर्किट लगते हुए जा सकता है, कहाँ पे जाके रिजिशन ले सकता है, सबके माइंड में यही सवाल है कहाँ पे अपनी पोजीशन क्लियर करने की। तो देखा जाए तो अभी रिसेंटली हम चार्ट में भी देखेंगे तो मार्केट कैप देखी जाए तो 168 करोड़ मार्केट कैप में हर रोज बढ़त देखने को मिली है। और पी रेशो देखा जाए तो बहुत ही ऊपर है रिसेंटली देख सकते हो। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 21.43% की रैली हो चुकी है। और 1 मंथ में भी देख सकते 50% की गिरावट के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो चार्ट पे नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते जो इम्पोर्टेंट 15 लेवल थी उसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देख सकते हो लेसा इंडस्ट्रीज के लिए जो एक रेजिस्टेंस लेवल थी, क्योंकि पिछले 2 मंथ पहले देखा जाए तो एक 2400 मूवमेंट हो चुकी थी, वहां पे रेजिस्टेंस ले आता 15 लेवल पे लेसा इंडस्ट्रीज ने, उसी को ब्रेकआउट देके ऊपर आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। 5% अप है, कल भी 5% अप था, आज भी 5% अप है। तकरीबन देखा जाए तो 15 लेवल को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो मंथली जो प्यूट है 18 लेवल के ऊपर है तो 18 to 19 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई देंगे, वो लेवल पे रेजिस्टेंस लग सकता है क्योंकि मंथली प्यूट जो है उसी लेवल पे, तो वहां पे रिएक्शन लगने के चांसेस हल्के से ज्यादा होंगे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट लेशा इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।